जय भोले जी की। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 के लिए मेडिकल फॉर्म आ चुके हैं। मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com को ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फॉर यात्रा 2019 इन हिंदी वाली इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल के सबसे अंतिम पेज यानी कि पेज नंबर 9 पर कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 दिया गया है। आप इस फॉर्म का यहां से प्रिंट आउट ले लें। तो भक्तों, मैंने मेडिकल फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिया है, तो चलिए अब मैं इसे भरना शुरू करती हूं। इस मेडिकल फॉर्म में दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। मुझे सिर्फ पार्ट ए भरना है। पार्ट बी हॉस्पिटल में यात्रा के लिए पंजीकृत डॉक्टर्स द्वारा ही भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो सभी सही होनी चाहिए, कोई भी गलत डिटेल्स ना भरे। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स में अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा रही हूँ। इसके बाद आते हैं नेम वाले कॉलम पर। यहाँ पर मैं अपना पूरा नाम लिख रही हूँ। अगला कॉलम है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जिसमें से मैंने डॉटर ऑफ ऑप्शन पर टिक किया है। अब इसमें मैं अपनी माताजी या पिताजी, इन दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया है। इसके बाद एड्रेस वाले कॉलम पर मुझे अपने घर का पूरा पता लिखना है जहां पर मैं अभी रहती हूं। कॉलम डेट ऑफ बर्थ की है, मैं यहां अपनी जन्म तिथि लिख रही हूं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान चिन्ह, इसमें हमें हमारे शरीर पर बने हुए कोई भी निशान के बारे में लिखना है, जैसे हमारे शरीर पर कोई भी तिल, मस्सा, कट अथवा कोई भी बर्थ मार्क के बारे में। मेरे दाएं हाथ पर एक तिल का निशान है, तो मैं इसमें अ मोल ऑन राइट हैंड लिख रही हूं। ब्लड ग्रुप यानी कि खून वर्ग वाले इस कॉलम में मुझे अपना ब्लड ग्रुप लिखना है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं ओ पॉजिटिव लिख रही हूँ। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। इस पॉइंट में पूछा गया है कि हमें नीचे दी गई बीमारियों में से अभी कोई बीमारी है अथवा इनमें से कोई भी बीमारी हमें
पहले रह चुकी है तो उसके बारे में बताना है। तो जैसा कि फॉर्म में प्रत्येक बीमारी के आगे दो ऑप्शन दिए हैं, यस और नो। यदि आपको कोई बीमारी है अथवा पहले रह चुकी है तो आप यस पर टिक करें, अगर बीमारी नहीं है तो नो पर टिक करें। इसमें पहला है ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना, अगला है डायबिटीज यानी कि मधुमेह, इसके बाद है रेस्पिरेटरी लंग एलिमेंट यानी कि फेफड़ों की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड डिसऑर्डर यानी कि खून विकार, अस्थमा यानी कि दमा, ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी कि रक्त स्राव, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, हार्ट एलिमेंट यानी कि हृदय रोग, नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि घबराहट के दौरे, जॉइंट पेन्स यानी कि जोड़ों का दर्द, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस यानी कि अधिक ऊंचाई अथवा पहाड़ों पर चढ़ने से क्या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर यानी कि कान का बहना, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और पैरालिसिस यानी कि लकवे की बीमारी, आर यू अ स्मोकर, क्या आप धूम्रपान करते हैं, आर यू प्रेग्नेंट, दिस इज एप्लीकेबल टू फीमेल यात्रीज, क्या आप गर्भवती हैं, ये कॉलम सिर्फ महिला यात्रियों के लिए है। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे इन सब में से कोई भी बीमारी ना अभी है और पहले भी कभी नहीं रही, तो मैं इन सभी कॉलम में नो वाले ऑप्शन पर टिक कर रही हूँ। आते हैं नीचे दिए गए अन्य कॉलम्स पर। इनमें सबसे पहले पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई यानी कि क्या आपको कभी दिल का दौरा पड़ा है, यदि हाँ तो इसमें आपको उसके बारे में लिखना है। अगला है हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली मेंबर्स, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई यानी कि आपके परिवार के सदस्यों में अचानक किसी की मृत्यु हुई है क्या, यदि हाँ तो इसमें आपको उसके बारे में लिखना है। इसके बाद है एनी मेजर इंजरी इन द पास्ट, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई यानी कि अतीत में आपको कोई प्रमुख चोट आई है क्या, यदि हाँ तो आपको इसमें उस चोट के बारे में लिखना है। अगला है एनी अदर एलिमेंट यानी कि अन्य कोई रोग, यदि है तो आपको इसमें उस रोग का नाम लिखना है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई यानी कि क्या आपकी कभी सर्जरी हुई है, यदि हुई है तो इसमें आपको उस सर्जरी के बारे में लिखना है। अगला है आर यू अंडर गोइंग अंडर एनी मेडिकेशन, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई, क्या आपकी कोई दवाई चल रही है, यदि चल रही है तो इसमें आपको उस बीमारी के बारे में लिखना है जिसकी आप दवाई ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं आर यू एलर्जिक टू ड्रग्स फूड्स एंड केमिकल्स, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई, इसका अर्थ है कि क्या आपको किन्हीं दवाइयों
खाद्य पदार्थों या रसायनों से एलर्जी है। यदि है तो आपको इसमें उन दवाइयों, खाद्य पदार्थों एवं रसायनों के बारे में लिखना है। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से इन सब से होकर मैं नहीं गुजरी, इसीलिए मैं इन सब के आगे नॉट एप्लीकेबल यानी NOA लिख रही हूँ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दिए गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो डेट है उसमें आपको उस दिन की तारीख लिखनी है जब आपने ये फॉर्म भरा है। सिग्नेचर / थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर जो जगह है वहां पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। यदि आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर अपना अंगूठा लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने हस्ताक्षर कर रही हूँ। मैंने अपना पूरा मेडिकल फॉर्म भर लिया है। यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बाबा बर्फानी जी सदैव आप सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय भोले जी की।